हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडल्ट मटेरियल के बारे में। अडल्ट मटेरियल जो कि एक इंग्लिश शो है और अवेलेबल हो चुका है और काफ़ी अच्छा शो है। अगर आपको डार्क डिज़ायर टाइप के शो या फिर आपको निक डायरेक्टर टाइप के शो पसंद आए हो तो ये शो भी आपको ज़रूर से पसंद आएगा, क्योंकि ये शो उसी कैटेगरी को बिलोंग करता है और कुछ एक अलग सी और यूनिक सी स्टोरी लेके आता है। तो चलिए बात करते हैं आज इस शो के बारे में। तो इस शो की स्टार्टिंग होती है जोलेना से। जोलेना जो कि 30 से 33 साल की उम्र की होती है, वो 30 से 33 इयर्स की होती है और वो एक पॉर्न इंडस्ट्री में काम करती है। एज ए अडल्ट एक्ट्रेस के रूप में वो काम करती है और उसकी एक फैमिली भी होती है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें बताई कि क्या होता है बिहाइंड द सीन, कैसे चीज़ें शूट होती है और सब, उसी पे एक ड्रामा कॉमेडी और रोमांस से भरा हुआ शो बना दिया गया है। तो इसी के अंदर ये स्टोरी है जोलेना की, जो कि पॉर्न इंडस्ट्री में काम करती है। और जोलेना बहुत ज़्यादा फेमस होती है, वो अपनी सिटी से लेके अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा फेमस होती है। लोग उसके बहुत बड़े बड़े फ़ैन होते हैं क्योंकि उसे पॉर्न इंडस्ट्री में काम करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका होता है एज ए पॉर्न एक्टर। तो ऐसी कुछ स्टोरी होती है जोलेना की। और जोलेना अपने काम में अलग अलग लोगों से मिलती है और जिन जिन लोगों से मिलती है उनके आसपास के लोगों को लेकर कुछ स्टोरियाँ बताई गई हैं। जोलेना की लाइफ काफ़ी सही जा रही होती है, वो अपनी लाइफ में काफ़ी सही काम कर रही होती है, उसका खर्चा वर्चा सब सही चल रहा था, उसकी फैमिली भी काफ़ी सही से काम कर रही होती है। तभी सब सही चलते हुए उसकी मुलाकात होती है एमी से। एमी जो कि एक नई एक्ट्रेस होती है, वो पहली बार काम करना चाहती है लेकिन पहले दिन उसको एक अजीब सा काम दे दिया गया होता है। और एक नई एक्ट्रेस के लिए वो काम करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस लोग ही कर पाते हैं, ऐसा जोलेना का मानना था। और एमी भी वो काम स्टार्टिंग में नहीं करना चाहती, लेकिन जब जोलेना चले जाती है क्या बात होती है ये पता नहीं रहता है, लेकिन डायरेक्टर उससे वो काम करवा लेता है क्योंकि वो एक सेक्सुअल काम होता है। तो इसके लिए कुछ अलग अलग सी चीज़ें होती है जो कि आपको इस शो देखने में पता चलेगा। और बाद में जोलेना को पता चलता है कि एमी ने वो खतरनाक से सीन कर लिए हैं और वो अब कुछ ड्रग्स भी करने लग गई है। तो उसकी लाइफ, उसको शायद उसको अपनी ही जवानी की याद आने लग जाती है और उसको एमी में अपनी जवानी दिखने लगती है। तो यहाँ तक ये शो काफ़ी ड्रामे वाला लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ तो ड्रामा होगा, लेकिन जैसे ये शो ख़त्म होने वाला था तभी एक टिम पेन नाम का कोई एक्टर होता है जो कि हमारी एमी के पास आता है और वो दोनों कुछ इंटीमेट से सीन करने वाले होते हैं और इंटीमेट हो रहे होते हैं बिना किसी कैमरे के आपस में मिलके ही। तभी हमारी एमी एक अजीब सा स्टेप ले लेती है और वो चाकू डाल देती है टिम पेन की पेट में और जिसकी वजह से वो मरता है और वो वहाँ से भाग जाती है उसे ऐसे ही छोड़कर। तो इस शो के एपिसोड 1 को एंड होते होते एक सस्पेंस छोड़ दिया है तो ऐसा लग सकता है, जो कि काफ़ी हद तक डार्क डिज़ायर से मिलता जुलता है। उसमें भी फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड के एंड के अंदर एक ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है और इसके अंदर भी कुछ सिमिलर सी ट्रेजेडी हुई है। तो हो सकता है ये शो भी उस शो की तरह बेहतर हो जाए। और अगर बात करें अडल्ट सीन की तो इसके अंदर काफ़ी अडल्ट और बोल्ड सीन खुल के दिखाए गए हैं। तो अगर आपको ऐसे सीन्स भी देखने हैं तो आप ये शो ज़रूर देख सकते हैं। इसके अंदर 4 एपिसोड ही है और अभी तक इसके सिर्फ और सिर्फ 1 एपिसोड आया है और उसके बेस पे ये शो काफ़ी अलग और इंटरेस्टिंग लग रहा है। पॉर्न इंडस्ट्री को काफ़ी खुल के दिखाया गया है इस शो के अंदर। इस शो में ये भी दिखाया गया है कि पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होने पे एक्ट्रेस और एक्ट्रेस की जो फैमिली होती है उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है और वो अपनी लाइफ को जीने के लिए या लाइफ के कमाई के लिए और क्या क्या जरियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी हो गया। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको इस शो में देखने को मिलेगी और आपको कुछ अच्छा लगेगा। तो इसके अंदर आपको रोमांस देखने को मिलेगा, कॉमेडी भी है, कुछ सीन काफ़ी अच्छे कॉमेडी है और आपको रोमांस तो देखने को मिलेगा ही और एक छोटा सा ड्रामा भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये शो कुछ नया और कुछ हटके ज़रूर लाता है और देखने के लिए एक ठीक ठाक सा शो है, कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन अगर आपको अडल्ट टाइप के शो अच्छे लगते हैं तो ये शो ज़रूर पसंद आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया या हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम ऐसे ही कंटेंट डालते रहते हैं और इतने अच्छे सजेशन लाते रहते हैं और अपनी जो भी बातें हैं वो कमेंट के द्वारा हमें बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।